हेलो, मेरा नाम रॉनी है और मैं अपने दोस्त सैम की बर्थडे पार्टी से देर रात वापस अपने घर जा रहा था। रात के करीब 3 बज रहे थे। घर जल्दी जाने के लिए मैंने एक छोटा रास्ता लिया जो थोड़ा सुनसान था। वहां आने जाने वाली एक भी कार नहीं दिख रही थी। तभी अचानक ही मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। उस सुनसान रास्ते मैं अकेले ही अपनी कार से जा रहा था, तो कैसे कोई मेरे कंधे पर अपना हाथ रख सकता है। मैं पसीने पसीने हो चुका था, फिर भी हिम्मत कर मैं कार चलाते चलाते ही पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे की सीट पर कोई भी नहीं था। मैंने वापस सामने रोड की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और कार चलाने लगा कि तभी मेरी नजर मेरे सर के सामने लगे मिरर पर गई, जिसके अंदर मेरे पीछे की सीट साफ दिख रही थी और उस सीट पर कोई साया बैठा हुआ था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई थी और तभी अचानक ही जोरदार झटका लगा और मुझे समझ आया कि मैं कार चलाते चलाते ही सो गया था। एक छोटी सी झपकी मेरी मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन सही वक्त पर मेरी आंख खुल गई और मैं पाल पाल बच गया। इसके बाद मुझे दोबारा झपकी ना आए इसीलिए मैंने कुछ रॉक म्यूजिक प्ले कर दिया, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। फिर कुछ ही देर में मुझे झपकी आने लगी और मैंने नींद की हालत में ही जोरदार ब्रेक मारी और तुरंत ही कार से बाहर निकलकर चैन की सांस ली और पाया कि मैं जंगल में किसी अनजान जगह हूँ। आसपास चारों तरफ बस काला अंधेरा और घने पेड़। उस वक्त मेरी नींद जैसे गायब ही हो गई थी और मैं आसपास देखने लगा ताकि मैं समझ सकूं कहां हूं और इस डरावने जंगल से बाहर निकल सकूं। तभी मैंने कहीं दूर से एक रोशनी को देखा। मैं कार को वहीं छोड़कर पैदल ही उस रोशनी की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई हो जो मुझे इस जंगल से बाहर निकलने में मदद कर सके। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की और रोड के किनारे किनारे चलते हुए आगे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक छोटा सा लेकिन काफी अच्छी हालत में एक पेट्रोल पंप, जिसके पास ही एक शॉप थी। मुझे कुछ लेना तो नहीं था शॉप से, लेकिन खुद को थोड़ा फ्रेश करने के लिए और मदद की उम्मीद में शॉप में चला गया। वहां जाने पर मैंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने वहां आवाज दी, हेलो, कोई है यहां? सुनिए, कोई है? मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने काफी देर तक आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज देने पर भी कोई नहीं आया। तभी मैं हार मानकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़की मेरे सामने अचानक ही आ गई, जिसके हाथों में एक बड़ा चाकू था और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं सर से पैर तक कांप गया और मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा और तब मैंने डरती हुई आवाज में कहा, कौन हो और ये खून किसको मारा तुमने? उस लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, हाय, मैं कैंडी। ओ, ये तो मैं बस खाना बना रही थी, तभी तुमने आवाज दी। तुम चले ना जाओ, इसलिए मुझे ऐसे ही बाहर आना पड़ा। सॉरी, तुम्हें ऐसे डराने के लिए। उसकी स्माइल बहुत ही कमाल की थी। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। कैंडी दिखने में काफी क्यूट थी, लेकिन उसके हाथों में वो खून देखने में काफी डरावना लग रहा था। मैं सोच रहा था कि तभी कैंडी ने कहा, तुम कुछ खाओगे? वैसे भूख तो नहीं है मुझे, मैं तो बस यहाँ। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या मतलब? मेरे कैफे का सबसे स्पेशल बर्गर खाकर देखो, तुम्हें खुद भूख लग जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं इस जंगल में फंस गया हूँ और कल जल्दी ऑफिस जाना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं जल्दी से इस जंगल से बाहर जा सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी बाहर जाने का रास्ता, लेकिन पहले तुम आराम से बैठो और बर्गर का मजा लो। कैंडी के इतना बोलने पर मैंने बर्गर खाने के लिए कह दिया। कैंडी बर्गर बनाने लगी, तभी मैं कैफे को देखने लगा। कैफे देखने में काफी सुंदर था, तो मैंने वहां कुछ बॉटल देखी जिनमें कुछ रखा हुआ था। जब मैंने पोर्टल को ध्यान से देखा तो
तो उसमें एक इंसान की उंगली रखी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया और पसीने पसीने हो गया। इतने में ही कैंडी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा और कहा, तभी मैंने कैंडी से कहा, ये उंगली किसी इंसान की है क्या? अरे नहीं, रबर की है वो। मैंने अपने कैफे को एक अलग लुक देने के लिए ऐसी चीजें रखी हुई है। ये कैफे को सजाने से ज्यादा डरावना बना रही है, कैंडी हंसते हुए बोली। ये लो, तुम्हारा बर्गर रेडी है। उंगली को छोड़ो और बर्गर खाकर बताओ कैसा है। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और बैठकर बर्गर खाने लगा। बर्गर काफी अच्छा था। इतनी अजीब चीजों के बाद फाइनली कुछ अच्छा खाया था मैंने। तभी मैंने देखा कैंडी कुछ नहीं कह रही थी। ये देखकर मैंने कहा, वाओ, बर्गर बहुत टेस्टी है। वैसे तुम्हारा बर्गर कहाँ है? हाँ, बस 2 मिनट में आई। ऐसा कहकर कैंडी वहां से चली गई। मैं बर्गर खा ही रहा था कि कुछ मेरे दांतों में फंस गया। मैंने जब अपने मुंह से उसको निकाल कर देखा तो वो किसी का दांत था। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मैंने बर्गर को खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गया। उस बर्गर में किसी इंसान की जीभ और कान काट कर रखे हुए थे। ये देखकर मुझे उल्टी होने लगी और मैं उसी हालत में वहां से दरवाजे की तरफ भागा और डोर को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने देखा कि डोर पर तो लॉक है। तभी मुझे कैंडी की आवाज आई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी तो भूख लगी है। आज कई दिनों बाद मैं ताजा मांस खाऊंगी। अगर तुम चले गए तो मैं क्या खाऊंगी? ऐसा कहते हुए कैंडी मेरी तरफ आने लगी और उसके पास एक चेन जिक्सो था, जिसको देखकर मैं बहुत डर गया था और वहां से भागने के बारे में सोचने लगा। कैंडी एक अजीब सी स्माइल करते हुए वो जिक्सो लेकर मेरी तरफ ही आने लगी। मैं समझ गया था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये मुझे मार देगी। तभी कैंडी मेरे काफी पास आ गई और कैंडी ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं बच गया और वहां से भागने लगा और भागते हुए किचन एरिया में आ गया, जहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। चारों तरफ बस मांस ही मांस था और जमीन पर खून ही खून। वहां कई लोगों के शरीर के अंग कटे हुए पड़े थे। ये सब देखकर मैं एकदम हैरान वहीं खड़ा रह गया और तभी मैंने देखा कैंडी भी इसी तरफ आ रही है। रॉनी, यहां से बचकर आज तक कोई नहीं जा सका है, तो तुम कैसे बचकर जा सकते हो? चुपचाप सामने आ जाओ, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हें आराम से मार दूंगी, बिल्कुल भी तर पाऊंगी नहीं। कैंडी की बातें सुन मैं डर गया और मैंने तभी वहां से बैक डोर को देखा, जो ओपन ही था। मैं तुरंत ही उस डोर की तरफ भागा, लेकिन मुझे एक ऐसा आइडिया आया जिससे मैं कैंडी का किस्सा आज ही खत्म कर सकता हूँ। मैंने देखा वहाँ गैस के कनेक्शन थे। मैंने तभी गैस ओपन कर दिया और अपने पास एक लाइटर रख लिया। तभी धीरे धीरे गैस पूरे कमरे में फैलने लगी और मैं खुद जल्दी से बैक डोर से बाहर निकल गया। और जैसे ही कैंडी मुझे ढूंढती हुई उस तरफ आई, अब कहाँ जाओगे बचकर रॉनी? देखो, अब मैं तुम्हें बहुत तड़पा कर मारूंगी, क्योंकि तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है। तुम्हारा मरना तो तय है। कैंडी काफी गुस्से में किचन के अंदर आती है और ये सब मैं उस बैक डोर की छोटी सी विंडो से देख रहा था। तभी मैंने लाइटर से आग चलाकर उसी विंडो से अंदर की तरफ फेंक दिया और गैस की वजह से वहां आग लग गई और मैं वहां से दूर भाग गया। और तभी कैंडी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वहां एक जोरदार धमाका हुआ। मैं वहां से भागकर अपनी कार की तरफ गया, जल्दी से कार स्टार्ट की और किसी तरह से जंगल से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन आ गया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने जब वहां रेड मारी तो पुलिस को वहां से कई मिसिंग लोगों की डेड बॉडीज मिली और पता लगा कि कैंडी एक साइको थी, जो लोगों को मारकर उनका मांस खाती थी और वहां आने जाने वाले लोगों को भी वो इंसानी मांस खिलाती थी। बाद में उन्हीं लोगों को मार दिया करती थी और उनका मांस खाया करती थी। पुलिस को बहुत ढूंढने के बाद भी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कैंडी की लाश नहीं मिली। किसी को नहीं पता कि वो अब भी किसी का शिकार कर रही होगी।
जैसे वहां कभी कैंडी थी ही नहीं। लेकिन मैंने कैंडी को चलते हुए देखा था, तो वो ऐसे गायब कैसे हो गई? अगर वो आज भी जिंदा है तो आज भी किसी ना किसी का शिकार कर रही होगी। उस दिन के बाद से ना तो मैं उस रास्ते पर दोबारा गया और ना कभी कैंडी को देखा। लेकिन ना जाने क्यों हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैंडी कहीं से मुझे देख रही है और वो आज भी मेरा शिकार करना चाहती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।